बच्चों आपके पास में सबसे पहला चैलेंजर प्रश्न आया था 22 तारीख, वो आपके सामने है। किया क्या आप लोगों ने, सॉल्व किया किसी ने? यस, यस सर। वेरी गुड। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड इन अ मीडियम इन विच द रेजिस्टेंस ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। इनिशियली नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ द वेट, 2 टाइम्स ऑफ द वेट। फाइंड द टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखिए सीन ऐसा है, हालात ऐसी है कि जमीन से एक पत्थर को ऊपर की तरफ भेजा गया है, तो पार्टिकल को चलिए ऊपर जा रहा है, तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है वेट एम जी, एक लग रहा है रेजिस्टेंस फोर्स, और वो है के वी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इस पर दो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, यानी नेट फोर्स इज एम जी प्लस के वी स्क्वायर। आपका फोर्स इन्होंने गिवन है कि इनिशियली पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका गया है, यू स्पीड से फेंका गया है, तो यहां पर इनिशियली इसका फोर्स हो जाएगा एफ बराबर एम जी प्लस के यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल फोर्स इतना हो जाएगा एफ यू। इसको दे रखा है ट्वाइस एम, इन्होंने कहा स्टार्ट में ट्वाइस एम, इसका मतलब के यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एम। कुल मिला के आपके पास में के की वैल्यू आ गई है एम जी अपॉन यू स्क्वायर, के की वैल्यू आ गई। हम कहेंगे कि एफ इक्वल टू एम जी प्लस के की जगह लिखिए एम जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा एम जी अपॉन यू स्क्वायर। चेक करिए जरा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सभी बच्चे बात को समझिए, क्वेश्चन को पढ़ने से साफ साफ पता लग रहा है इनिशियल स्पीड यू है, ऊपर की तरफ फेंका है, रेजिस्टिव फोर्स स्क्वायर ऑफ द स्पीड, इनिशियली 2 टाइम्स ऑफ वेट। तो हमने के वी स्क्वायर लिया, इसका एम जी प्लस के वी स्क्वायर नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया, इनिशियल जो था वो डबल था, हमने इसको 2 mg लिख दिया, हमारे पास के यू स्क्वायर बराबर एम जी आ गया, के की वैल्यू आ गई, ये नेट फोर्स है। अब हमें दो चीजें करनी, एक तो हमें ये पता लगाना है कि सबसे ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, दूसरा हमें ये पता लगाना है एच कितना, ये दोनों चीजें हमको पता लगाना। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम टाइम का पता लगा, तो देखो एफ बराबर है एम जी अपॉन यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसे हम कहेंगे माइनस एम इंटू डी वी अपॉन वी। टाइम के लिए तो फिर हम डी वी अपॉन वी यूज में लेंगे, माइनस क्यों, माइनस क्यों होना चाहिए, क्योंकि रिटार्डेस। अब देखिए आप यहां से मैं लिख रहा हूं एम से एम की छुट्टी, मैं लिख रहा हूं जी अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस dv अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। आप इसे इंटीग्रेट करें, इसकी लिमिट रखिए 0 से लेकर t तक, इसकी लिमिट रखिए u से 0 तक, क्योंकि सबसे ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो गए, तो u से 0 तक की लिमिट रखिए। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, g अपॉन u स्क्वायर t इक्वल इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, कोई बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, डायरेक्ट कोई बच्चा बता सकता है क्या इंटीग्रेशन, मैथ्स वाले बच्चे देवांश इसका इंटीग्रेशन बताओ डायरेक्ट। सर 1 मिनट। इसका इंटीग्रेशन बताओ अगर,
अभय चौहान यस सर। इसका इंडिकेशन बताओ यार जल्दी से। यस सर सर इसका यू यू टेन इनवर्स यू अपॉन वी 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 अपॉन यू सॉरी बस यू टेन इनवर्स यू टेन इनवर्स वी अपॉन यू। बी अपॉन। चलिए अब आप देखिए इसकी लिमिट लगाएंगे यू से लेकर जीरो तक, तो हम लिखेंगे जी अपॉन यू स्क्वायर। ये कुछ उल्टा एक्सक्यूज बोल मी दिया सर, होगा, ये वन अपॉन यू नहीं आएगा। सर वो लेफ्ट वाला यू स्क्वायर कट आप जाएगा जी के नीचे वाला। तो मुझे ये बताइए ना ये वन अपॉन यू आएगा कि नहीं। यस सर यस। यस सर वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन टू। अब देखिए आप टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू रखो, यहां पे लिखेंगे टेन इनवर्स जीरो माइनस बी की जगह यू लिखेंगे, तो टेन इनवर्स क्या आएगा यू अपॉन यू यानी वन। तो आपके पास में आ गया सी अपॉन यू इनटू बी, उसे एक यू कट जाएगा, यहां आ गया माइनस जीरो माइनस पाई बाई फोर 45 डिग्री। आपके पास में टी बराबर आ गया पाई यू अपॉन फोर, इतने टाइम पर ये ऊपर चला गया। अब सुनिए कुछ बच्चों को यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ इंटीग्रेशन कैसे किया गया। देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन था आपका ये बात, मैं इस इंटीग्रेशन को बता रहा हूँ कैसे किया गया है। इंटीग्रेशन किया गया है dv अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। हमने v को लिखा है u या tan v को लिखा। अब u v को u tan का लिखने से क्या हुआ, हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बराबर आएगा u sec स्क्वायर थीटा d। तो dv को आप लिखिए यहां पे u sec स्क्वायर ये आपने डिग्री को लिख दिया। और नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे आप यू स्क्वायर कॉमन वन प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि आपका यू डी स्क्वायर आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कितना से सेक स्क्वायर कितना करते हैं। कुल मिलाकर के आपके पास में अब आ रहा है वन अपॉन यू थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे थीटा है वन अपॉन यू थीटा। अब ध्यान दीजिए आप यहां पे लिखेंगे v अपॉन u tan थीटा, v अपॉन u बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स v अपॉन, ये आपका इंटीग्रेशन आया tan इनवर्स v अपॉन। इंटीग्रेशन को थोड़ा समझिए कि आपने ये पुट किया है, ये सपोज किया है, इसको सपोज कर सकते हो आप, इससे आपका ये हो उधर से ये कट गया वन अपॉन यू, यहां पर जब डी थीटा को इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आएगा, आपके पास थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स बी अपॉन। जब देखिए आपने यहां पर ऐसा लिमिट आपकी जीरो से यू तक, अब आपने यहां पर इसका इंडिकेशन ये लिख दिया। अब जब इंडिकेशन ये लिखा तो अपर लिमिट आपकी जीरो है, लोअर लिमिट आपकी जीरो, तो वन अपॉन यू अपर लिमिट लिखी लोअर लिमिट रखी, यू से यू कैंसिल होकर वन आ जाए। टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन होता है 45, टेन 45 वन होता है बेटा, तो टेंजेंट 45 वन होता है इसलिए पाई बाय फोर। ये सवाल समझ में आ गया क्या अभय? यस सर आंसर आपका मैच कर रहा है, यस जो सर आंसर आया है वही है, यस ठीक सर है। अच्छा ये सवाल सना साबरी को समझ में आ गया क्या? यस सर आ गया। शिवांश कौशिक यस सर आ गया। वैदेही बेटा ये सवाल समझ में आ गया आपको? जी सर वैदेही, जी सर आ गया। वैदेही की आवाज नहीं आ रही, जी सर आ गया। नो वॉइस, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए चलिए जी नेक्स्ट, सर वैष्णवी त्यागी को यह सवाल समझ में आ गया जी सर
चलिए अगला वाला टुकड़ा, इसी का अगला टुकड़ा कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया। देखिए फॉर्मूला तो हमारा यही है कि आपका एफ ये, दिस इज योर एफ, इसी का यूज करेंगे हम और निकालेंगे कितना ऊपर गया। तो वो बेटा मैं इधर करता हूँ, देखिए मैं एफ को यहां लिख रहा हूं, सभी बच्चे चेक करेंगे, एफ बराबर एम जी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस एम वी डी वी अपॉन डी वाई, वी डी वी अपॉन, ये हमने लिखा। अब आप देखिए एम से आपका एम कट का, आप देखेंगे यहां पे मैं लिखूंगा जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू वाई, इट इज इक्वल माइनस वी डी वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सॉरी ये यहां पे डी वाई है, जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी वाई, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके एक्स तक, और ये इंटीग्रेशन करेंगे आप U से लेके G। अब देखिए G अपॉन U स्क्वायर, ये तो आपका आया चल जाएगा है ना। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये वाला इंटीग्रेशन, कुल मिलाकर अब इंटीग्रेशन ही आपकी समस्या है, ठीक है। किस किस बच्चे को ये इंटीग्रेशन आता है, नंदिनी कैन यू टेल मी डायरेक्ट दिस इंटीग्रेशन, नंदिनी चौहान यस सर कैन यू टेल मी दिस इंटीग्रेशन, यस सर डायरेक्ट बोल सकती हो सर, एक मिनट सर मैं ट्राई कर लूंगी इसको, लिमिट है यू से जीरो तक, ए बराबर वी डी वी अपॉन डी वाई एक्सीलरेशन, यस प्लीज सर v square by 2 into 1 by u tan inverse v by u, नहीं ये गलत है, देखिए मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूँ कैसे करेंगे, मैं बताऊँ रहने दो आप देख लो v dv और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सपोज वही हम पुट करेंगे इसमें फिर से, तो मैं कहूंगा सपोज v इक्वल टू u tan थीटा, अगर हमने इसको किया तो dv बराबर क्या आ जाएगा u sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। अब आप यहां पर वैल्यूज रखेंगे तो v की वैल्यू रखेंगे u tan थीटा, dv रखेंगे आप u sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आपने dv रखा और फिर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है u स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है, ये आपने सपोज किया, सपोज करके डिफरेंशिएट किया। अब इसके बाद में आपका u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा tan थीटा d, नीचे जो sec स्क्वायर था वो sec स्क्वायर थीटा ऊपर से कट, ये u स्क्वायर कॉमन आएगा ना बेटा, u स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आएगा, u स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो आपके पास 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा तो से कट जाएगा, तो आपके पास क्या आया। अब आपको इंटीग्रेशन tan थीटा बताना है खाली, अच्छा इसकी लिमिट भी आप बदल दो, सुनो कैसे कि लिमिट क्या आएगी वो मैं बता देता हूं, जब आप थीटा बराबर सॉरी v बराबर 0 लिखें, v बराबर 0 लिखेंगे तो u tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री आ गया, करेक्ट। जब आप v बराबर u लिखेंगे तो u tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया 1, tan थीटा बराबर 1 आ गया, थीटा बराबर क्या आ गया पाई बाय 4, राइट। अच्छा अब आपकी जो लिमिट है वो u से लेकर के 0 तक थी ना, देखो आप U से लेके 0 तक थी, तो यहां हम लिमिट ही चेंज कर देते हैं पाई बाय 4 से 0 तक, जरा tan थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, यस log sec x है बेटा, log sec x सर, log sec x, यस सर,
यस, आवाज बहुत कम आ रही है बेटा। लॉग लॉग, सेक एक्स चलिए कोई लॉग सेक, सेक। अब देखो आप इसके जो है ना ये लिमिट रखेंगे पाई बाई 4 से लेके 0 तक, तो जरा चेक करो इसका क्या आएगा। हाँ सबसे पहले 0 लिखो, तो लॉग सेक 0, सेक 0 कितना होता है बेटा, सेक 0 1 होता है, सेक 0 1 होता है माइनस फिर लॉग। अब आप सेक कितना रखेंगे, पाई बाय 4, 45 डिग्री, रूट 2 होता है, सेक 45 की वैल्यू रूट 2 होती है, यानी कुल मिलाकर के आपके पास में आ गया माइनस लॉग ऑफ 2, क्योंकि लॉग 1 0 होता है, लॉग 1 0 होता है, लॉग रूट 2 का मतलब है माइनस 1 बाय 2 लॉग 2, बस इसकी जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर है एक। तो आप ध्यान दीजिए जी अपॉन यू स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल टू माइनस, और ये आपका पूरा इंटीग्रेशन आ गया माइनस 1/2 लॉग ऑफ 2, खत्म। ये आपका आंसर है, चेक करिए है क्या, यू स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ 2, इज इट योर आंसर। तो देखिए जो पहला वाला सवाल था वो हमने वहां पे काम में लिया था डीवी अपॉन डी, अब दूसरे वाले सवाल में हमने ये काम लिया, हमारे असली टेंशन इंटीग्रेशन। मैं एक इंटीग्रेशन का लेक्चर बना दूंगा आप लोगों को, या एक इंटीग्रेशन का क्लास लगा देंगे अलग से, जिससे ये सब चीजें कि आप इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, है ना। और ये जो है आपके पास में ये हमने माना, ये सपोज करके फिर ये हुआ, उसके बाद में अगला स्टेप आप देख लीजिए पूरा। ये जो चीजें हैं ये वेदांशी को समझ में आई क्या, वैष्णव, वैष्णव यस सर आ गई बेटा समझ में, जी सर सच्ची बोलना बेटा। यस सर आ गई शिवांश यस सर आ गई सच्ची, जी सर सना साबरी यस सर सच्ची में आ गई, अब आप इन सवालों को बिना देखे कर सकते हो दोबारा। चलो अगला सवाल देखिए, 22 अगस्त का ही सवाल था दूसरा, है ना, और ये है पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन ईच टाइम t1 t2 t3 इन टाइम t1 t2 t3 आर s1 s2 s3 रेस्पेक्टिवली, इफ टाइम्स आर इन ab विद कॉमन डिफरेंस d एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इन g। देखो इसका मतलब समझो, सबसे पहले तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कॉमन डिफरेंस d है टाइम के अंदर, तो मैं कहूंगा t2 जो होता है वो होता है t1 प्लस T3 जो होता है वो होता है T2 प्लस D, यानी कि T1 प्लस 2 ये T3 होता है। तो देखिए T1 कोई टाइम है, T2 टाइम में D ऐड हो जाएगा, T3 टाइम में और D ऐड हो जाएगा, ये टाइम का मामला है। अब जरा GP क्या चीज है, GP पता है क्या चीज होती है, GP ये चीज होती है कि जो S1 S2 S3 है वो इस तरह से लगे होते हैं कि S2 जो होता है फंडामेंटल वो अंडर रूट S1 S3 होता है, इसे GP कहते हैं। अब देखो इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे S2 अपॉन S1 इट विल बी S3 अपॉन S2, GP का मतलब ये होता है कि चीज उसे रेशियो में आगे बढ़ती जाती है, इसे कॉमन रेशियो कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगली टर्म पिछली टर्म से उतने टाइम्स हाई होती है, तो S2 अपॉन S1 S3 अपॉन S2। अब देखो इसको अगर आप थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं, ज्यादा टर्म लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, S3 अपॉन S2, S4 अपॉन S3, S5 अपॉन S4, S6 अपॉन S5, समझ रहे हो आप, ये ग्रामर आ रहा है, ऐसे टर्म्स बढ़ती जाएंगे बड़ी 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 बड़ी,
तो ये आपके पास एस टू बराबर अंडर रूट एस पर एस टू दिया था। अब आप देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एस वन यानी टी वन का डिस्टेंस, तो टी वन का डिस्टेंस आया यू टी वन प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर, ये आपका एस वन राइट। ये आपका टी वन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर टी टू में मतलब एस टू, एस टू जो है ना वो आगे का है ना, तो मैं कहूंगा कि जो एस टू है या आप ये कहिए कि एस टू टी टू टाइम में है ना, और टी टू टाइम ये है, टी टू टाइम ये है, तो हम क्या कहेंगे एस टू को, एस टू को कहेंगे एस टू, तो एस टू जो है ना ये टाइम्स, हाँ तो हम कहेंगे एस वन प्लस, एस वन प्लस कितना आएगा आगे का, या चलो इसको स्टार्ट से लिखता हूं, स्टार्ट से U into T1 plus D plus half A T1 plus D whole square, फिर S3 बराबर U T1 plus 2D plus half A T1 plus 2D का whole square बस। अब आप अगर S2 और ये वैल्यू रखते तो आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, मैं जरा यहां पे रीराइट कर रहा हूं, हमारा फोकस यहां पर है, मैं यहां पे रीराइट कर रहा हूं, S1 को दोबारा लिख रहा हूं है ना, और S2 को ये यहां पे मैं S1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको लिखने का, इसको मैं थोड़ा खोल रहा हूं, तो देखो यू टी वन प्लस यू ये वाली प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर प्लस हाफ ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी, सॉरी ट्वाइस तो कट जाएगा हाफ से, ए डी आ जाएगा, ये चेक करिए जरा, एस एस थ्री आ जाएगा आपका यू टी वन प्लस ट्वाइस यू प्लस वही हाफ ए टी वन स्क्वायर प्लस हाफ ए इंटू फोर डी स्क्वायर प्लस, फिर इसको करोगे आप तो हाफ से कट जाएगा, तो कितना आएगा ये टू एडी आएगा बेटा, यहां पर टू एडी आएगा, आप इसको इसको पूरा ओपन कर दिया। अब ध्यान दीजिए आप इस सवाल को जो करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां पे कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही है बड़ी क्लियर, देखो यू टी वन और हाफ ए टी वन स्क्वायर सब जगह दिखाई देगा, यानी हम इसको कैंसिल कर सकते। Excuse me, sir. और यहाँ पर ये हाफ ए डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टू ए डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं एस टू माइनस एस वन कर रहा हूं और एस थ्री माइनस एस टू कर रहा हूं, बस खत्म, ये लो सवाल सॉल्व हो गया। एस टू में से आप एस वन घटाइए, एस टू में से एस वन जब आप घटाएंगे तो आपका यू टी वन कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो देखिए क्या क्या बचा आपके पास, एस टू में से जब आपने एस वन सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये बचा यू डी बचा प्लस ए डी बचा प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये आपके पास एस टू माइनस एस, एस थ्री में से आप एस टू घटाइए तो देखिए एस थ्री में से आप एस टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका यू टी वन, ये से यू टी वन कट जाएगा, ट्वाइस यू डी में से एक यू डी बचेगा आपका प्लस ये 81 से 81 चला जाएगा जब आप सबट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहां क्या क्या बचेगा जब आप इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये AD स्क्वायर था 2AD, तो यहां पर बचेगा 3 बाई 2AD स्क्वायर, ये बचेगा ना 2AD स्क्वायर, चेक कर लेना जरा कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस चेक कर लो प्लीज, 2AD में से हो गया तो आपका AD बचा। अब मैं जो है ये जो है सारा का सारा ये आपकी इक्वेशन नंबर मैं कह देता हूं वन और इसको कह देता हूं टू, अब पता है मैं क्या कर रहा हूं, टू में से मैं वन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फिर टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेजर तो फोकस जो है ना वो एस थ्री एस वन उस पर है ना, तो देखो टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा एस थ्री माइनस 2s2 plus s,
और यूडी से यूडी कट जाएगा और एडी से एडी कट जाएगा। 3/2 एडी स्क्वायर में से ये आपके पास में आधा बच जाएगा, ये एडी स्क्वायर आ जाएगा। बस काम कर। अब देखो आप लिख दीजिए S3 - 2। एस टू को हमने कहा अंडर रूट S1 S2 + S1, इट इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? एस टू बराबर अंडर रूट S1 S2। देखो एस टू बराबर अंडर रूट S1 S2 यहां से आया है, यहां से ये रहा। मल्टीप्लाई करो, एस टू का स्क्वायर आएगा तो आपके पास S1 S2 आएगा, S3 आएगा। एस टू बराबर अंडर रूट S1 S2, राइट। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं अंडर रूट S3 स्क्वायर - अंडर रूट S1 S3 - 2 अंडर रूट S1 S3 + इसको लिख रहा हूं अंडर रूट S1 का स्क्वायर। ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं भाई, एक्स को हम अंडर रूट X स्क्वायर तो लिख सकते हैं। तो आप देखिए क्या हुआ, ये हुआ अंडर रूट S1 - अंडर रूट S3, इसका होल स्क्वायर हो गया और ये आ गया एडी स्क्वायर। कुल मिलाकर के आपके पास एक्सेलरेशन आ गई है अंडर रूट S1 - अंडर रूट S3 होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो देखिए इस सवाल में कुछ खास दमदार बात नहीं थी, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है ना, सवाल तो सारे ही अच्छे हैं। तो आप देखो इसमें क्या किया है, हमने T2 बराबर ये किया, T3 बराबर ये किया, T3 बराबर आप तो D बढ़ता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस D, यानी कि T1 + D फिर T2 + D, तो T1 + 2 भी आ गया। आपके पास में ये चीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस की डेफिनेशन होती है, ज्योमेट्रिक मतलब G की डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास S1 S2 आ गया, S2 / S1 S3 / S2 आपके पास S2 का स्क्वायर किया। अब हमने क्या किया, S1 की वैल्यू बाकायदा रखी UT + ½ AD2, S2 की वैल्यू भी रखी UT + ½ AD2, S3 की वैल्यू भी रखी UT + ½ AD2 और बाकायदा फिर इनको खोल दिया। और खोल करके मैंने क्या किया, S2 - S1 निकाला, S3 - S2 निकाला और फिर वापस से फिर घटा दिया। कुल मिला के मेरे पास ये इक्वेशन आ गया और बाकी सब चीजें गायब होती थी अपने आप कटती थी और ये ऐसा निकल गया। यहां पर ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इसको लिखा और ये हमने ऐसा, हमने इसका जो है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ये समझ में आया क्या शिवांश? सर ये तो आ गया, लेकिन ये किस तरह से रखेंगे ये समझ नहीं आया। क्या हो गया सर? ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक थोड़ा कैलकुलेशंस समझ नहीं आया। हाँ फिर क्या नहीं समझ में आया सर? इतना मैनिपुलेट कैसे करेंगे, मेरे को भी ये समझ में नहीं आया कि मैं भाई इतना बात है। कैसे पता चलेगा मैनिपुलेशन जीरो है इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन जीरो है। देखो कहां मैनिपुलेशन, क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है ना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको ये चीज अवेल करा रहा है, ये जो चीज है यहां तक ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। देवांश? यस सर, यस सर। अच्छा ये वाली चीज जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। जी सर। अच्छा S1 = UT + ½ AD2। यस सर। S = UT + ½ AD2 फिर S = UT + ½ AD2, बस टाइम की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। अब हमारे को अब देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं है, ये बहुत आराम से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीजें कटती चली जा रही है अपने आप। आपने S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट किया, आपकी काफी सारी चीजें गायब हो गई। फिर S3 में से S2 सब्ट्रैक्ट किया, काफी सारी चीजें गायब हो। फिर यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि ये UDB गायब हो रहा है अपने आप ही सब्ट्रैक्ट करने से, मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने आप मैनिपुलेट हो रहा है। आप देखो ना अगले स्टेप में आपको दिख रहा है UDUD और आपको लग रहा है कि हाँ अगर हम तुम्हें से वापस बल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सच में गायब हो जाएंगी चीजें। नहीं हो रही है क्या गायब? यस सर। स्टेप तो बेटा आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते हैं हमें आपस में हमें रास्ता मिलता चला जाता है।
जी सर। ये तो हर सवाल का रूल होता है कि आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता बनता चला जाएगा, अब आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, तो रास्ता मिलता जा रहा है। अब देखिए रास्ता अपने आप बनता जा रहा है, अब ये बनते ही S2 को लिखा, अब जैसे ही ये चीज सामने आती है इधर S3 दिख रहा है इधर S1 दिख रहा है। अब ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है ना कि अगर आपने इसको a² - 2ab + b² बना दिया तो a - b का होल स्क्वायर हो गया। देवांश जी सर। मैंने कहां मैनिपुलेशन किया है? सर बस जिसे कहते हैं ना देख के ही परेशानी हो जाती है, वैसा हो जाता है सर मेरे साथ तो। चलो शिवांश ये बात पकड़ में आई? सर मुझे पूछना था कि हमने इसके अंदर पहले S2 - S1 किया, फिर S3 - S2 किया, और फिर जो इक्वेशंस आई है वो हमने सेपरेट किया, हमने ऐसे क्यों किया है? नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो क्या है कि इतना सारा जो ये बन गया हमें इसको क्या करना था, कैंसल आउट करना था। हमने जब यहां से कैंसिल किया तो देखो ये चीजें कैंसिल हो गई अपने आप, और कैंसिल होते हम थोड़ा रिलैक्स हो गए। वो तो चीजें जब कैंसिल होंगी तो आप अपने आप रिलैक्स होकर चले जाओगे ना अपने आप। अब देखो यहाँ पे आने के बाद में हमें ये दो इक्वेशंस मिल रहे, फिर मेरे को ये यूडी यूडी नजर आया, ये एडी एडी नजर आया, तो मेरे को लगा कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये चीज भी गायब हो जाएगी। ये तो आपको क्वेश्चन अपने आप बता रहा है शिवांश, यस क्वेश्चन तो देखते ही पता लग रहा है ना कि भैया यूडी और यूडी हाँ घटा देंगे तो गायब हो जाएगा। और हमें तो क्या करना है, हमें तो मिनिमाइज करना है कि चीजों को टर्म्स को खत्म करना है ना, हमें तो तभी तो आपके पास एक कॉम्पैक्ट रिजल्ट आता है। किसी भी क्वेश्चन में जब आप चीजों को खत्म करते हो तो कॉम्पैक्ट रिजल्ट आता है। ठीक है यस तो वो तो अपने आप ही दिखाई देगा ना कि जब आपने ये चीजें गायब हो रही है, फिर यहां आते ही जैसे ही आपने इसको लिखा परफेक्ट स्क्वायर नजर आने लग गया। वो मैं बताऊं क्या चक्कर है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का है। जैसा मैंने कहा कि आप अपना एक एक सेकंड काम में लो, एक एक सेकंड काम में लो, आपकी प्रैक्टिस, डोंट वेस्ट सर। रुद्रांश ये समझ में आया क्या? यस सर। चलिए अब अपन जो अगला अपना चैलेंजर क्वेश्चंस आपके पास में आए हुए हैं उसको हम अगले क्लास में करेंगे। इस तरह से हम रोज जो है ना आधी आधी घंटा क्लास लगा लिया, ठीक है बेटा? मतलब डन। चलिए नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर अगर ये क्लास रिकॉर्ड हुई है तो आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग भेज देंगे मेरे स्टार्टिंग का ठीक है क्वेश्चन ठीक सीख है के लिए। भेज थैंक दे। यू सर।